आज दुबई में देसी विलेज कैफे में मिस्टर एलेक्स जी की सालगिरह बहुत ही भरपूर तरीके से मनाई गई। इस सालगिरह का सारा इंतजाम मीना असरानी, मोहित टोंक, कुंजाल और सबा ने किया। मिस्टर एलेक्स जो हमेशा अपनी सालगिरह इंडिया में मनाते थे, ये उनकी पहली सालगिरह थी जो दुबई में मनाई गई। लॉकडाउन की वजह से वो इस दफा इंडिया नहीं जा सके, तो उनके दोस्तों ने उनकी सालगिरह दुबई ही में मना दी और उनको सरप्राइज दिया। इनकी सालगिरह में इंडिया और पाकिस्तान और दुबई से ताल्लुक रखने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस टिकटॉकर्स ने खुसूसी शिरकत की और इनकी सालगिरह को 4 चांद लगा दिए। दुबई के मशहूर टिकटॉकर चाचा सियालकोटी और उनके साथ तानिया, कुंजाल, सबा, मोहित, मीना असरानी, रेशमी और मुख्तलिफ दीगर लोगों ने शिरकत की। जैसे विलेज कैफे की मैनेजर नमिता और उनकी पूरी टीम ने खुसूसी तआवुन किया। सिक्स न्यूज के बेरुचीफ नासिर मुगल ने भी इनको मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर मुगल, सिक्स न्यूज़ दुबई यूएई। आज हमारे साथ मिस्टर एलेक्स जी, जो कि यूएई के बहुत ही फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं और इनको पिछले से तकरीबन 25-30 साल तो हो गए इनके यूएई की सेवा करते हुए। तो आज उनकी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है दुबई डेरा देसी विलेज में। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाएं? बस शुक्र है अल्लाह का, आप बताइए। एलेक्स जी, माशाल्लाह लोग आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे ख्याल में ये बर्थडे का आपको पता भी नहीं होगा कि मोहित और मुस्कान ने ये बर्थडे अरेंज की और सब ने यहाँ शिरकत करके आपको प्यार दिया, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील होता है, सारे अपने लोग हैं और एक सरप्राइज़ दिया इन लोगों ने मुझे। अमूमन मैं मेरा बर्थडे इंडिया में बॉलीवुड में मनाता हूँ, बॉम्बे में, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सब कुछ आपको पता है, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं जा पाया, तो यहाँ मनाया और कमी नहीं फील होने दी इन लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमेशा जैसा कि आपने बोला इंडिया में मनाते रहे हैं, तो ये फर्स्ट आपकी बर्थडे यूएई के अंदर है? फर्स्ट नहीं बोलूँगा, पर हाँ तकरीबन 5-7 सालों में तो पहली है। ऐसा क्यों, ये लॉकडाउन की वजह से या इधर ज़्यादा प्यार मिलना शुरू हो गया? दोनों बातें, लॉकडाउन तो है ही है, खैर मजबूरी वो एक है ही है, पर मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार यहाँ के लोग मुझे देते हैं और उन्हें दिया है, तो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह अगले साल भी यहीं मनाएंगे। 30 साल में ये फर्स्ट टाइम आपको प्यार मिला इतना? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा फर्स्ट टाइम प्यार मिला, प्यार मिलता रहता है, पर मैं नॉर्मली बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करता हूँ इस तरह से और लोग नहीं करते, मैं थोड़ा सा अपने आप में रहता हूँ, तो इस बार थोड़ा सा एक लोगों ने खुल के अपना प्यार दिखाया है, जैसे आपने बताया मोहित, मुस्कान, तानिया, कुंजल, हितेश, सभा, सब लोग सबने दिया है, तो अच्छा लगा। मुझे बताएं आपने इतने कम टाइम में कैसे अरेंज की, मिस्टर एलेक्स जी को कैसे आपने ये सरप्राइज़ दिया? देखिए ये आसिफ मेरे एक अकेले की वजह से नहीं, इट्स अ टीम एफर्ट, मैं, मोहित, कुंजू, हम सारे के सारे मिलकर इसमें लगे हुए थे और सर को नहीं बताया था, इट वाज ऑल हिडन एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि वो इस बार बॉम्बे नहीं जा पा रहे हैं, तो एंड ही वाज लाइक कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं घर पर आराम से मतलब आई एंजॉय अलोन। हमने बोला नहीं कि ऐसा नहीं होगा, कि हम उस लेवल पे अगर ना भी कर सके तो विल गिव आवर बेस्ट। तो हाँ, अभी आकर जब उन्होंने सरप्राइज़ देखा तो उनका फेस का जो रिएक्शन था वाज अमेजिंग। एक्चुअली उनको बॉम्बे जाने का सबसे ज़्यादा दुख था, बट वी ट्राइड आर बेस्ट, टीम एफर्ट था, कुंजल, मीना असरानी, हितेश, ऑल टीम एफर्ट्स, तो हम लोगों ने अरेंज किया जितना बेस्ट हो सकता था हम लोगों का, उतना बेस्ट हम लोगों ने किया, मे बी नॉट दैट मच ऑफ पॉइंट, बट येस वी ट्राइड आर बेस्ट, तो इट वॉज़ गुड। एंड When he saw like केक और ये सब पार्टी अरेंज जितना भी था, इट वॉज गुड एंड हिज एक्सप्रेशन वॉज गुड, तो अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा कि हाँ जो भी हम लोगों ने अपना किया है एंड ही इज़ लाइकिंग इट, तो इट वॉज गुड। मोहित, उसके बाद एलेक्स जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तो एक आम सा टिकटॉकर हूँ और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में चाचा सियालकोटी को लोग कम ही इन्वाइट करते हैं, तो ये मेरी पहली ज़िंदगी की वैसी पार्टी है कि जो मुझे इतना प्यार और खलूस दिया है, और एलेक्स जी जो मैंने इनकी धूम सुनी है, एक आम बंदे को इन्होंने गले लगा के और मुझे जो किस की है, ये सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शाउट आउट टू एलेक्स, एलेक्स जी, आई नो, आई हैव नोन एलेक्स जी फॉर एटलीस्ट अराउंड 5 years एंड ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल इन स्पेशली इन बॉलीवुड, आई वर्क इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विद हिम, सो ऑल द बेस्ट टू हिम एंड ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू एलेक्स जी। ऑफ कोर्स एलेक्स जी की बर्थडे है तो शरारत तो बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली आई मीन बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर के हैं, मैं इनसे मीना के थ्रू मिली थी एंड देन फिर पता चला कि वो सिंधी भी हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई। या हम फर्स्ट टाइम उनके बर्थडे पे आए और मैंने स्पेशली इनके लिए ये गिफ्ट छोटा सा बना है, आई लाइक देखिए जी माशाल्लाह इन्होंने एलेक्स जी को मिलेंगे बोलेंगे पहले कि
कॉल पे चाय पहले मेरे लिए रेडी रखना, तभी मैं लेने आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और जी एलेक्स बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, हमारी दोस्ती को ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, एंड ब्यूटिफुल सोल, ब्यूटिफुल पर्सन, एंड या मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ उनके जन्मदिन पे आए हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एलेक्स जी के बर्थडे पे आई हूँ, एंड ही इज़ टर्निंग 50 टुडे, बट बाय हार्ट ही इज़ 5 ओनली, एंड आई होप ही जस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल एज ऑलवेज ही स्प्रेड। तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा हमें ऐसी एनर्जी देते रहे, और हमेशा हमें सीखने को मिलता है हमेशा उनसे। व्हेनेवर आई मीट हिम आई गेट दोज एनर्जीज फ्रॉम हिम। तो मैं चाहती हूँ वो अपनी जर्नी ऐसी कंटिन्यू करें और रॉक करें वर्ल्ड को। तो इसी तरह आप हमेशा सब कुछ सबको एंटरटेन करूँ और सबको खुश करना चाहिए।